हेलो गाइस, अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर का क्वेश्चन है। इसको भी आपको खुद को ही करना है और फिर इस वीडियो को देखना है। तो चलो अभी इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे ए बार है तो टू ए बार क्या होगा यहाँ पे। अब टू ए बार को मैं लिखता हूँ सी बार एंड डी बार। तो सी बार क्रॉस डी बार पूछा हुआ है। सी बार की वैल्यू कितनी है, टू इंटू ए बार कितना होगा, फोर आई कैप माइनस टू जे कैप। वैसे डी बार कितना होगा, माइनस थ्री बी कैप, तो क्या होगा, माइनस थ्री जे कैप माइनस थ्री के कैप। इसको माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दो। तो सी बार एंड डी बार तो हो गया। अब क्या देखना है मुझे, सी बार क्रॉस डी बार। अब सी बार क्रॉस डी बार करने के लिए मैट्राइसेस मेथड देखा था, तो चलो मैट्राइसेस को ड्रॉ करते हैं। आई कैप जे कैप के कैप, सी लिखो यहाँ पे, डी लिखो। मैट्राइसेस मेथड आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे होगा फोर, यहाँ पे होगा माइनस टू, यहाँ पे होगा ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई के कैप नहीं है, यहाँ पे कोई आई कैप नहीं है, ये माइनस थ्री और यहाँ पे माइनस थ्री। तो बेसिकली सी बार क्रॉस डी बार क्या आएगा, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे आई कैप के लिए होगा माइनस थ्री इंटू माइनस टू विच इज सिक्स, माइनस ज़ीरो, तो यहाँ पे आएगा सिक्स आई कैप। अब जे कैप के लिए ये कॉलम गया, ये रो गया, तो बेसिकली क्या आएगा, फोर इंटू माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व माइनस ज़ीरो, अब माइनस ट्वेल्व, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन ऐड करते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स्ट्रा ऐड करनी होती है, राइट। और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस साइन ऐड कर दो। फोर इंटू माइनस थ्री कितना हुआ, माइनस ट्वेल्व माइनस, तो क्या आएगा, ट्वेल्व, तो ट्वेल्व जे कैप। और के कैप क्या आएगा, ये कॉलम गया और ये रो गया, तो बेसिकली क्या आएगा, फोर माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व टू ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ट्वेल्व के कैप। आ गया ना सी बार क्रॉस डी बार मैट्राइसेस मेथड से। देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी बेसिकली ड्रॉ नहीं किया, लेकिन आपको आना चाहिए। ये नहीं आ रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो बेसिक्स था वो देख लो।